जी हाँ, तो राकेश बापट को तो आप सब जानते होंगे। राकेश बापट बिग बॉस OTT में दिखाई दिए थे। यहाँ पर शमिता के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगी थी और अभी हाल ही में बिग बॉस 15 में अपनी लेडी लव शमिता शेट्टी को सपोर्ट करने के लिए भी वो पहुँचे थे, लेकिन अचानक इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जी हाँ, उनकी किडनी में स्टोन की वजह से उन्हें बहुत भयानक दर्द हुआ, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और इस समय वो बिग बॉस 15 के घर से बाहर हो चुके हैं। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम आपको उनकी संपत्ति के बारे में बताएंगे। जी हाँ, बिग बॉस OTT से फेम हासिल करने वाले, आपको बता दें कि राकेश बापट की पहले शादी रिधि डोगरा से हुई थी, लेकिन उनका तलाक हो गया और अब उनका नाम शमिता शेट्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, तो राकेश बापट लगभग 26 करोड़ की संपत्ति के अकेले के मालिक हैं। जी हाँ, उनकी कुल संपत्ति लगभग 26 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि राकेश बापट अभी हाल ही में बिग बॉस 15 में दिखाई दिया। अभी हाल ही में वो बिग बॉस 15 में आए थे शमिता शेट्टी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अचानक तबीयत ख़राब होने के कारण उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर होना पड़ा। अब आपको बता दें कि राकेश बापट हॉस्पिटल में हैं और भयानक दर्द के कारण उन्हें एडमिट भी कराया गया। किडनी में उनके स्टोन पाया गया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ा। और हमने आपको उनकी संपत्ति बताई कि लगभग 26 करोड़ की संपत्ति के अकेले के मालिक हैं राकेश बापट। अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आलिशान तरीके से वो जीते हैं। तो आपको इसको लेकर क्या कहना है, आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।